नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका बाटला, नीलकंठ आईवीएफ स्पेशलिस्ट कोटा सेंटर। आज हम बात करेंगे, क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी में सिजेरियन डिलीवरी ही होती है? ज़्यादातर कपल से सोचते हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में डिलीवरी सिजेरियन से ही होती है, पर ऐसा नहीं है। डिलीवरी सिजेरियन से होगी या नॉर्मल होगी, ये महिला और बच्चे की स्थिति पर निर्भर करता है। ज़्यादातर कपल्स जब जो आईवीएफ से कंसीव करती हैं, वो जरा से भी रिस्क नहीं लेना चाहते डिलीवरी के दौरान, तो वो घबराए हुए होते हैं और वो चाहते हैं, वो खुद आगे से आकर कहते हैं कि सीजेरियन डिलीवरी कर दी जाए। लेकिन आईवीएफ में प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, उसकी कुछ कंडीशन के बारे में बात करते हैं। आइए हम जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी किन आईवीएफ प्रेगनेंसी में हम ट्राई कर सकते हैं। अगर पेशेंट अपने आप लेबर में जाती है, टर्म प्रेगनेंसी होती है, तो नॉर्मल के लिए करेंगे। बट पेल्विक पेशेंट की बर्थ कैनाल, जैसे रास्ता बोलते हैं जिसे हमें पैल्विस, अगर अच्छा है तो नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे। बच्चे का वजन देखते हैं, ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, पैल्विस के अकॉर्डिंग हो तो नॉर्मल के लिए ट्राई करते हैं। प्लेसेंटा की लोकेशन नॉर्मल होनी चाहिए, बच्चा सीधा होना चाहिए, मतलब उसका सर नीचे की तरफ होना चाहिए, ऐसे केसेस में हम नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर कुछ भी लगता है ये सब कुछ नहीं है, उसके अलावा हम किन केसेस में हम सिजेरियन कर सकते हैं? सिजेरियन हम उन केसेस में करते हैं जिसमें कि एडवांस मैटरनल एज है, एज बहुत ज़्यादा है पेशेंट की, जिसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी हैं, लाइक ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं। ट्विंस में भी हम कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं उसमें हम नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकते हैं। और प्लेसेंटा की लोकेशन, अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है तो सिजेरियन ही इंडिकेशन होती है। अगर बच्चा सीधा है, सीधा नहीं होके आड़ा है, तिरछा है, उल्टा है, तो इसकी इंडिकेशन सिजेरियन सेक्शन ही होती है, सिजेरियन से ही डिलीवरी होती है। ऐसे केसेस में हम नॉर्मल ट्राई नहीं करते हैं। तो पर्टिकुलर कुछ डिपेंड करता है कि बच्चा नॉर्मल होगा या सिजेरियन से होगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये नहीं कह सकते कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो हमेशा सिजेरियन ही होगा। इस बारे में अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आके विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।